दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल। लालच दोस्तों, जब लालच बढ़ती है ना तो इंसान की बुद्धि और संतुष्टि दोनों को नष्ट कर देती है। आज की कहानी इसी विषय पर है। जीवन और जुगनू दो भाई थे, वो फल और सब्जी का एक दुकान रखे थे। वो दोनों बहुत ही ईमानदार थे, अब बहुत ईमानदारी के साथ अपनी दुकान चलाते थे। भैया मैं उधर चला गया था, वो कमला काकी मेरे को कब से आवाज लगा रही थी, फिर अभी अभी गया था। लेकिन जुगनू दुकान ऐसे अकेले छोड़कर मत जाया करो, ठीक है ना? जीवन जब शाम को घर जाता है तो पीछे मुड़ के देखता है तो कमला काकी आवाज लगा रही है बीच सड़क पे बैठे हुए। फिर हुआ क्या? हुआ काकी, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? अभी अभी तो तू मार्केट में दिखी थी मुझे। अरे बेटा, मुझसे चला नहीं जा रहा है इसलिए मैं तुम्हें आवाज लगाई, मुझे भी घर तक छोड़ दो, जा रहे हो तो भगवान भला करेगा। कोई बात नहीं काकी, तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद जीवन काकी को ले जाकर उनके घर तक छोड़ देता है। अगले दिन बिमला काकी के पति उनसे, देखो कल मेरी बहन आ रही है, उससे ढंग से रहना, उससे पैसे मत मांगना, वो जब आती है तो तुम उसके पैसों को देखकर बहुत लालच करती हो, ठीक है? वो सीधी सादी है, उससे कुछ मांगना मत तुम। देखो जी, तुम्हारी बहन के पास पैसे हैं तो वो मेरे काम के नहीं हैं। इस दिवाली पे मुझे 1.5 लाख रुपए मुझे चाहिए, मुझे अपनी बेटी के लिए गले का हार बनवाना है। उसको ऐसे ही शादी करेंगे क्या? कुछ देंगे नहीं, भीख मंगा के घर भेजोगे उसको? अगले दिन कमला काकी की ननद आती है लेकिन कमला काकी अपने आदत से बाज नहीं आती। देखो मेरे पास तो तुम्हारे जैसा कुछ है नहीं, तुम तो बहुत पैसे वाली हो, भगवान करे कि तुम्हारे जैसा ही घर बार मेरी बेटी को भी मिल जाए, लेकिन इसके लिए पैसे होने चाहिए। उसके बाद वो बात करने की थोड़ी देर बाद दोनों मार्केट जाते हैं। कमला काकी इसको पता नहीं क्या क्या समझाती है और कह के जाती है कि कल हम यहाँ मिलेंगे, फिर तुम आना। उसके बाद इसमें कुछ पैसे और चीवर है, इसको रख लो ठीक है, और मेरी बहू को पता न चले। उसके बाद कमला काकी उस बैग को लेकर जुगनू के दुकान पे जाती है और जुगनू को देते हुए बोलती है, जुगनू इस बैग को संभाल के रख दे अपने दुकान में और अपने भैया को मत बताना, ठीक है? मैं कल शाम को आऊंगी और ले जाऊंगी। इधर जीवन जुगनू को समझा रहा होता, देखो जुगनू तुम बहुत सीधे साधे हो, तुम किसी के बातों में आ जाते हो, मुझसे बिना पूछे किसी से लेन देन कुछ मत करना, ठीक है? इधर मालती की बहू अपने सास से पूछ रही है, माँ जी मैं उस कबर्ड में कुछ गहने और पैसे रखे थे, वो मेरा बैग मिल नहीं रहा है, आपको पता है कहाँ है? अपनी बहू की बात सुनकर मालती घबरा जाती है, फिर बोलती है, नहीं बहू मैंने नहीं लिया है, मुझे नहीं पता कहाँ रखे हो। माँ जी आप नहीं जानती हैं तो कोई बात नहीं, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जा रही हूँ, उसमें बहुत सारे गहने थे मेरे और बहुत सारे पैसे भी थे, मुझे पता है वो कहाँ गया होगा। मालती की बहू जानती थी कि उसकी सास सीधी सादी है और उसके सास को बहला फुसला कर उसकी भाभी हमेशा कुछ न कुछ उससे ले ही लेती थी, लेकिन अब की बार मालती की बहू ने ठान ही लिया कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी ही और उनको सबक सिखाऊंगी। मालती की बहू वहां से पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो उसको जानती रहती है। वो कहती है कि कल मैंने तुम्हारे सास को और एक और औरत को देखा था बैग लेकर यही मार्केट में। तुम्हारे सास के जाने के बाद उस औरत ने उस बैग को उस दुकान में रखवाया। फिर क्या था, पुलिस के पास गई मालती की बहू और पुलिस को सब कुछ सब साफ सब बता दिया। पुलिस वहां से गया और जीवन के दुकान पे छापे मारी, वहां से उसको बैग मिल गया। उसके बाद जीवन के घर पहुंच गई पुलिस। तुम दोनों को मैं अरेस्ट कर रहा हूं, तुम मेरे साथ थाने चलो, तुम्हारे दुकान से जीवन और गहने बरामद हुए हैं, वहां चलने के बाद तुम दोनों से पूछताछ होगी। जुगनू ये क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, कैसा गहना, कैसे पैसे, ये सब दुकान में कहाँ से आया, क्या हुआ, तुझे कुछ पता है जुगनू? भैया मैं सब बताता हूँ, कल कमला काकी आई और मेरे को एक बैग देकर बोली कि तू इसको संभाल के दुकान में रख दे,
कल मैं आकर ले जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि उस बैग में क्या है क्या नहीं है। भैया मैं सच कह रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब पहले कमला काकी को बुलाइए। जो मेरा भाई कह रहा है वो सच है। मेरा भाई सीधा साधा है, वो झूठ नहीं बोल सकता है। फिर इंस्पेक्टर फोन करके कमला काकी को वहाँ बुलाता है। उसके बाद मालती और उसकी बहू दोनों को वहाँ बुलाता है। फिर तीनों वहाँ आती है। उसके बाद पुलिस वाला उनसे पूछताछ शुरू कर देता है। फिर कमला काकी को सच बताना पड़ता है और पुलिस वाला उनको लेके थाने चला जाता है। इधर मालती अपने बहू से कह रही होती है, बहू ये बेइज्जती मेरा भाई बर्दाश्त नहीं करेगा, तू मेरे भाभी को वापस छुड़ा ले। बहू देखिए माँ जी, मैं भी नहीं चाहती थी ना कि आपकी भाभी जेल जाए, लेकिन आपके भाभी को ये सबक सिखाना जरूरी था। एक बार नहीं, ये कई बार हो गया। ठीक है, आप जाइए उनको छुड़ा लाइए। मालती वहाँ से अपने भाई को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और अपना रिपोर्ट वापस लेती है और भाभी को लेकर फिर घर आती है। उसके बाद कमला काकी घर आकर अपने पति और नौना दोनों से माफ़ी मांगती है। कहती है, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद मैं किसी चीज़ का लालच नहीं करूँगी। दोस्तों, लालच एक छोटा मुंह का बहुत बड़ा जानवर है जिसका पेट कभी नहीं भरता। हमें लालच से दूर रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।